वेलकम टू द ऑफिशियल यूट्यूब चैनल ऑफ ओरिजिन कोचिंग। आज का मेरा टॉपिक है क्लास टेंथ फिजिक्स का सोर्सेस ऑफ एनर्जी का सेकंड सेशन। देखिए, फर्स्ट सेशन में मैंने आपसे बात किया था और एनर्जी के पूरे सोर्सेस, उसके टाइप्स, एडवांटेज डिसएडवांटेज पर बात किया था। कुछ मैंने आपको पावर प्लांट भी समझाया था। आज इसका रिमेनिंग पार्ट है, बचा हुआ पार्ट है, जिसमें हम सबसे पहले पढ़ेंगे बायोगैस प्लांट। नाउ सोर्सेस ऑफ एनर्जी। इसके बेसिक कॉन्सेप्ट पर हम बात कर चुके हैं, सोर्सेस ऑफ एनर्जी पर आप फर्स्ट सेशन में आपने देखा होगा। नाउ नेक्स्ट सोर्सेस ऑफ एनर्जी इज बायोगैस प्लांट। देखिए, ये पूरा जो चैप्टर है वो हमारे लाइफ में जो एनर्जी के जो जो सोर्स हैं वो पूरे सोर्स के बारे में हमको जानना है। तो इसमें हमारा एक बायोगैस प्लांट है, ये फॉसिल फ्यूल्स बायोगैस प्लांट, ये सब मैंने लास्ट टाइम भी बताया था। बायोगैस प्लांट क्या होता है कि बायोलॉजिकल, जैसे काउ डंग से, जिसको हम गोबर कहते हैं, काउ डंग को क्या किया जाता है, स्टोर करने के बाद एक सिस्टम बना के। अभी मैं अपने सभी टॉपिक में, क्योंकि हमारा जितना भी टॉपिक है अभी वो क्या है, किसी कंस्ट्रक्शन पर, किसी फिगर पर, उसके सिस्टम मैकेनिज्म पर बेस्ड है। तो मैं अपने बोर्ड के लेफ्ट साइड में आपको उसका एक डायग्राम वीडियो से शो करूँगा या स्टिल फोटो शो करूँगा, वहाँ पर आपको एक्सप्लेन करूँगा कि कैसे वर्क करता है, इसका बेसिक फंडामेंटल क्लियर करने के बाद। तो बायोगैस प्लांट में काउ डंग यूज़ होता है। इसका जो मेन कंपोनेंट है वो मीथेन है और ये नियर अबाउट 75% होता है, और कार्बन डाइऑक्साइड नियर अबाउट 25% होता है। इसका मिक्सचर होता है जो काउ डंग को हम क्या करते हैं एक प्लांट में। यहाँ पर आप फिगर में देखिए, ये आपको मैं शो कर रहा हूँ बायोगैस प्लांट का कंप्लीट फिगर। यहाँ पर आप देखिए, लेफ्ट साइड में आप देख रहे हैं, वहाँ पर क्या है, काउ डंग को, गोबर को वाटर के साथ मिक्सर करके, मिक्सिंग प्लांट होता है, उसको हम चार्ज करते हैं और डोम के शेप का ऊपर से बना हुआ है, जो अंदर जाने के बाद जो डाइजेस्टर होता है वहाँ पर क्या होता है, वो डाइजेस्टर में जब स्टोर होता है वहाँ पर केमिकल रिएक्शन होता है और मीथेन गैस बनने के बाद आप आउटसाइड में देख रहे हैं, आप टॉप में देख रहे हैं, एक गैस का कनेक्शन है, वो गैस के कनेक्शन से हम उसको लेते हैं और खाना बनाने और बहुत सारे वर्क के लिए, इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन के लिए इसका यूज़ करते हैं। बाकी जो वेस्टेज मटेरियल होता है आप राइट साइड में देख रहे हैं, वहाँ से चला जाता है। इस प्रकार से बायोगैस प्लांट होता है। आपको बोर्ड एग्जाम के लिए इसका प्रिपरेशन करना है तो किस तरह से आपको प्रिपेयर करना है, सबसे पहले आप बायोगैस प्लांट का बेसिक फंडामेंटल बता देंगे, ये फिगर आप बता देंगे, इसके बाद इसके एडवांटेज क्या हैं, डिसएडवांटेज क्या हैं, इससे क्या क्या फ़ायदे हैं। तो एडवांटेज क्या है, देखिए, ये हमारे पास ऐसा सोर्स ऑफ एनर्जी है जो विदाउट कास्ट हमको बहुत आसानी से अवेलेबल हो जाता है। ये एक तरह से बाई प्रोडक्ट है हमारा, बाई प्रोडक्ट एक तरह से, और ये हमारा क्या है, समझ लीजिए इको फ्रेंडली है, क्योंकि इससे इन्वायरमेंट को ज़्यादा नुकसान नहीं होता। ये कुछ इसके एडवांटेज हैं। डिसएडवांटेज ये है कि हम इसको हर जगह इसका प्रोडक्शन नहीं कर सकते हैं। हम इसका प्रोडक्शन सिर्फ वही करते हैं जहाँ पर हमको क्या है, काउ डंग अवेलेबल हो, अदरवाइज़ हर जगह इसको हम, जैसे शहरों में, महानगर में, वहाँ पर तो इस तरह से अपन काउ डंग हमको मिल नहीं सकता, तो इसलिए वहाँ पर क्या है, सर, डिसएडवांटेज है क्योंकि लिमिटेड सोर्स हैं। क्लियर? तो दिस इज बायोगैस प्लांट। नाउ नेक्स्ट इज विंडमिल। ये जितना मैं सोर्स, देखिए, मैंने अपने लास्ट वीडियो में आपको बताया था कि जो हाइड्रो पावर प्लांट है, थर्मल पावर प्लांट है, ये लार्ज अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी या एनर्जी डेवलप करने के प्लांट होते हैं। बाकी आज जो हम पढ़ रहे हैं छोटे छोटे, ये क्या है, एक तरह से ये बहुत स्मॉल स्केल में इसका प्रोडक्शन होता है, लेकिन जहाँ पर हो पाता है वहाँ पर कर पाते हैं। जैसे विंड मिल है, तो विंड मिल में क्या होता है, जो इसका भी मैं आपको इस डायग्राम से आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ, आप विंड मिल का आप यहाँ पर सिस्टम देखिए, तो विंड मिल में क्या है, एक फैन होता है और ये उस एरिया में यूज़ होता है जहाँ पर हाई स्पीड विंड चलते हैं। तो इस तरह से जब विंड का प्रेशर होता है तो उसके जो फैन है
वो फैन रोटेट होने लगते हैं और उससे जो शेफ्ट होता है नीचे वो आके फिर क्या करता है, डायनेमो के आर्मेचर को रोटेट करता है। और ये बात आपको पता है कि जब भी डायनेमो का या जनरेटर का रोटर जब रोटेट होगा तो वहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी डेवलप होता है। इस तरह से हम विंड मिल की सहायता से इलेक्ट्रिसिटी डेवलप कर सकते हैं। क्लियर? तो ये विंड मिल है, ये सब स्मॉल स्केल में अपन इलेक्ट्रिसिटी से प्रोडक्शन कर सकते हैं। और इसका सबसे बड़ा ड्रॉबैक ये है कि हम इसको क्या है, लिमिटेड एरिया में ही, जिस एरिया में इस तरह से विंड नहीं चलता वहाँ पर इसका प्रोडक्शन नहीं कर सकते। ये कन्वेंशनल सोर्सेस ऑफ एनर्जी है। क्लियर? नाउ नेक्स्ट इज टाइडल एनर्जी। टाइडल एनर्जी में क्या होता है, जो हाई टाइड्स ओशन में, समुद्र में जो हाई टाइड्स जब आते हैं तो वहाँ पर हम एक सिस्टम बना के रखते हैं। ये भी यहाँ पर मैं आपको फिगर से एक्सप्लेन कर दूँ। यहाँ पर मैं फिगर जो डिस्प्ले कर रहा हूँ आप देखिए, यहाँ पर इस तरह से ये एक सिस्टम बना के रखते हैं, बीच में उसका एक गैप होता है। जो सी का वाटर जब हाई टाइड आता है तो सी का वाटर क्या होता है, उस गैप में प्रेशर के साथ अंदर जाता है, जहाँ पर क्या है टर्बाइन लगा होता है। तो जब वाटर का प्रेशर, जैसे हाइड्रो पावर प्लांट में मैंने आपको बताया था कि हम डैम से वाटर को क्या करते हैं, सीधे टर्बाइन पर गिराते हैं और वो टर्बाइन को रोटेट करता है। यहाँ पर जैसे हाई टाइड आता है तो हाई टाइड क्या करता है, वाटर का प्रेशर उस फैन को घुमाता है और इलेक्ट्रिसिटी डेवलप होता है। आप समझ सकते हैं इसका सबसे बड़ा ड्रॉबैक क्या हो सकता है कि ये हाई टाइड के कंडीशन में हम इसे इलेक्ट्रिसिटी डेवलप कर सकते हैं, ऑलवेज नहीं कर सकते। क्लियर? इस तरह से ये हमेशा हमारे लिए अवेलेबल नहीं होता, या सिर्फ ऐसे एरिया में जहाँ पर ओशन हो, जहाँ पर हाई टाइड्स आते हों वहाँ पर हम इसका इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन कर सकते हैं। क्लियर? तो ये छोटे छोटे सब पावर प्लांट्स हैं जिससे हम कंडीशनल इलेक्ट्रिसिटी मतलब स्पेशल कंडीशन में ही हम क्या कर सकते हैं, इसमें प्रोडक्शन कर सकते हैं। क्लियर? नाउ नेक्स्ट इज जियोथर्मल। जियोथर्मल एनर्जी क्या होता है? जियोथर्मल एनर्जी में देखिए, यहाँ पर मैं आपको थोड़ा एक्सप्लेन कर दूँ, फिर मैं आपको एक वीडियो अपने बोर्ड पर दिखाऊंगा और आप उस वीडियो को बहुत ध्यान से देखिए, एक वर्किंग वीडियो है वहाँ आप इसको समझेंगे। तो देखिए क्या होता है इसमें, अर्थ में ग्राउंड लेवल के नीचे आप देख रहे होंगे वीडियो में कि ग्राउंड में अर्थ के नीचे बहुत अधिक गहराई पर, जहाँ पर अर्थ में टेम्परेचर बहुत हाई टेम्परेचर होता है, वहाँ पर हाई टेम्परेचर से ऊपर से अर्थ के सरफेस से अपन पाइपलाइन अंदर डाल देते हैं और वहाँ से हीट क्या होता है, रिलीज होता है। वो हीट को हम पाइप के थ्रू प्लांट में लाते हैं और प्लांट में फिर क्या होता है, वो वाटर के साथ में वेपर क्रिएट करता है और ये वेपर फिर पाइपलाइन में कंप्लीट प्रोसेस होते होते क्या होता है, ये हाई प्रेशर और लो प्रेशर की स्टीम में कन्वर्ट हो जाता है। और इसको फिर क्या करते हैं हम, रिक्वायरमेंट के हिसाब से इस स्टीम को, जैसे थर्मल पावर प्लांट में मैंने बताया था कि वाटर का स्टीम बना के हम स्टीम को क्या करते हैं, वाटर वहाँ पर अपन टर्बाइन में फ्लो करते हैं। तो यहाँ पर आप वीडियो में आप देख रहे होंगे कि ये जो स्टीम है वो जाकर टर्बाइन को प्रेशर करता है और उस टर्बाइन के प्रेशर के कारण फिर डायनेमो या जनरेटर रोटेट होता है और इलेक्ट्रिसिटी डेवलप होता है। क्लियर? तो ये होता है जियोथर्मल एनर्जी। ये भी कंडीशनल है, ये सिर्फ हम वहीं पर इसको यूज़ में ला सकते हैं जहाँ पर क्या हो, इस तरह का नेचर में इस तरह का सिचुएशन डेवलप होता है या नेचर में ऐसा होता है। क्लियर? नाउ नेक्स्ट इज सोलर एनर्जी। देखिए मैं जितना आपको एनर्जी का सोर्स आज बता रहा हूँ ये सब क्या है, रिन्यूएबल सोर्सेस ऑफ एनर्जी है, ये डिस्ट्रॉय नहीं होते। विंड तो हमको ऑलवेज मिलेगा, ओशन का टाइड मिलेगा, सोलर का अपने को मिलेगा। तो सोलर एनर्जी एक बहुत इंपॉर्टेंट एनर्जी है। आज के डेट में हम सोलर एनर्जी बहुत ज़्यादा अपने डेली लाइफ में बहुत ज़्यादा यूज़ करने लगे हैं सोलर एनर्जी, और ये अब बहुत ज़्यादा इको फ्रेंडली हो गया और इकोनॉमिकल भी हो गया, लेकिन हम भी लार्ज स्केल में हम इसका यूज़ नहीं कर पा रहे हैं। सोलर एनर्जी में क्या होता है कि सोलर
मतलब सनलाइट में जो एनर्जी पार्टिकल्स होते हैं, जो एक्चुअल में क्या है, फोटॉन पार्टिकल्स होते हैं, सनलाइट में जो लाइट के साथ में सन से लेके अर्थ तक रेडिएशन के थ्रू रेडिएशन जो हीट अप्रोच करता है एक्चुअल में वो फोटॉन पार्टिकल्स के थ्रू करता है। तो इसमें हम क्या करते हैं, फोटोवोल्टिक सेल, यहाँ पर भी आप यहाँ पर फिगर में देखिए, यहाँ पर फिगर में आपको मैं बता रहा हूँ कि यहाँ पर क्या है, सोलर पैनल्स होते हैं। आप यहाँ देख रहे हैं कि बड़ा सोलर पैनल है, उस सोलर पैनल में जब सनलाइट इंसिडेंट होता है तो वहाँ पर सिलिकॉन जर्मेनियम वगैरह के सेमीकंडक्टर्स होते हैं, जहाँ पर हीट, जिसको हम फोटोवोल्टिक सेल बोलते हैं, तो जहाँ पर हीट इंसिडेंट होने से वहाँ पर इलेक्ट्रॉन रिलीज होता है और वो इलेक्ट्रॉन क्या है, बैटरी को जाके चार्ज करता है। इसमें क्या है, बैटरी पहले चार्ज होता है, फिर बैटरी कंप्लीट चार्ज होने के बाद हम बैटरी के थ्रू अपने डिवाइस, टेलीविज़न को, अपने कंप्यूटर सिस्टम को इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, इसे रन करा सकते हैं। इसे लार्ज इस अमाउंट में इलेक्ट्रिसिटी डेवलप नहीं कर पाते, इसीलिए क्या है कि इसका ड्रॉबैक है कि हम इसको किसी बड़े इंस्ट्रूमेंट्स को रन करने में हम इसको यूज़ नहीं कर पाते। सैटेलाइट में इसका मैक्सिमम यूज़ होता है। सैटेलाइट में जो सोलर पैनल्स लगे होते हैं, वो सोलर पैनल्स सन से लाइट रिसीव करते हैं और सैटेलाइट के अंदर में जो रिचार्जेबल बैटरी लगे रहते हैं वो इसमें यूज़ होता है। आजकल इरीगेशन के लिए इसका बहुत ज़्यादा यूज़ हो रहा है, आप लोगों ने देखा भी होगा, कभी आप रोड में कभी निकलो तो आप ध्यान देना, आजकल बहुत से फार्मर लोग, किसान लोग अपने फील्ड में, अपने खेत में इस तरह से बड़े बड़े सोलर पैनल लगे हुए आपको देंगे। या ऐसे रूरल एरिया पर जहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी अभी पहुँचा नहीं, वहाँ पर आप एक पोल देखना, इलेक्ट्रिक पोल, इलेक्ट्रिक पोल में फिर क्या है, एक आपको सोलर पैनल दिखेगा और वहाँ पर एक छोटा सा लाइट जलता हुआ मिलता है। तो सोलर एनर्जी बहुत ज़्यादा यूज़फुल है आज के डेट में हमारे लाइफ में, और सोलर एनर्जी बहुत ज़्यादा हमारे लिए अच्छा है, क्योंकि सबसे बड़ा फायदा इसका यह है कि इसमें कोई पॉल्यूशन नहीं है। इसमें इसका सबसे बड़ा ड्रॉबैक ये है कि, या इसका डिसएडवांटेज ये है कि हम इसको लार्ज अमाउंट में इसका प्रोडक्शन नहीं कर सकते, और दूसरा सबसे बड़ा बात है कि ये थोड़ा, चूँकि बैटरी को चार्ज करने के बाद चलता है इसलिए बैटरी का लाइफ बहुत ज़्यादा नहीं होता, तो वो क्या होता है, बैटरी को बार बार रिप्लेस करना पड़ता है। या कुछ ऐसे डिवाइस बनाए हैं जैसे सोलर पंप वगैरह लगाते हैं हम एग्रीकल्चर, अंदर से पानी खींचने के लिए ज़मीन से, वो क्या होता है उसमें बैटरी नहीं लगता, लेकिन जैसे ही सनलाइट इंसिडेंट होता है इमीडिएट इलेक्ट्रिसिटी डेवलप हो जाता है, उसे पंप चलता है, लेकिन इवनिंग में, आफ्टर इवनिंग सनसेट होने के बाद हम इस डिवाइस को यूज़ नहीं कर सकते। क्लियर? तो ये कहलाता है हमारा सोलर एनर्जी। ये आप लोग को मेरा सजेशन है कि ये सब छोटे छोटे नोट्स बना के, आप इसका छोटा छोटा नोट्स बना के बोर्ड एग्जाम के लिए प्रिपेयर करिए, अदरवाइज़ ये पूरा चैप्टर हमारा जो सोर्सेस ऑफ एनर्जी है एक जनरल नॉलेज की तरह का चैप्टर है, और लगभग ये सारा चीज़ आप लोग जानते हैं, पूरा थियोरिटिकल है। फिजिक्स के चैप्टर में कोई मैथमेटिकल डेरिवेशन नहीं है, कोई बड़ा कॉन्सेप्ट नहीं, कोई बड़ा प्रिंसिपल नहीं, बस आपको समझना है कि सिस्टम कैसे काम करता है, इसका एडवांटेज क्या है, इसका डिसएडवांटेज क्या है, इसके यूजेस क्या है। क्लियर? नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, इसका आने का बोर्ड एग्जाम में आपके आने का चांसेस बहुत ज़्यादा होता है, और ऐसा भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, दैट इज़ न्यूक्लियर एनर्जी। न्यूक्लियर एनर्जी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आज के डेट में मॉडर्न फिजिक्स में हम टोटल न्यूक्लियर पावर पर बात कर रहे हैं, चाहे इलेक्ट्रिसिटी का प्रोडक्शन हो, चाहे कहीं पर भी न्यूक्लियर पावर से अपने को कुछ एनर्जी का ज़रूरत हो, हम टोटल आज न्यूक्लियर एनर्जी पर बेस्ड हैं। और आपको इसको पढ़ाने से पहले एक इवेंट भी बता दूँ जो सबको आपको पता है कि सेकेंड वर्ल्ड वार में हिरोशिमा नागासाकी में अमेरिका ने जापान पर जो बम गिराया था एक्चुअल में वो न्यूक्लियर बम ही था, जो इस मानव इतिहास के लिए बहुत त्रासदी वाली घटना थी, ये आप सबको पता है। तो न्यूक्लियर पावर आज के डेट में हम ओनली उसका निगेटिव यूज़ नहीं, आज के डेट में हम बहुत ज़्यादा पॉजिटिव यूज़ भी कर रहे हैं। न्यूक्लियर एनर्जी हमारे पास टू टाइप से हैं, फर्स्ट इज न्यूक्लियर फ्यूज़न। न्यूक्लियर फ्यूज़न में क्या होता है, न्यूक्लियर फ्यूज़न में हम किसी हैवी एटम को, हम पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल्स या न्यूट्रॉन की बम्बार्डिंग से उसको ब्रेक करते हैं, और ब्रेक करने के बाद वो स्मॉल न्यूक्लियस में और साथ में लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी, ह्यूज अमाउंट ऑफ एनर्जी, बहुत ज़्यादा एनर्जी हम उसे रिलीज करते हैं। क्लियर? तो इसका केमिकल रिएक्शन इस तरह से होता है, देखिए यूरेनियम का मैं आपको बताऊँ, यूरेनियम 90 to 235 में जब
एक न्यूट्रॉन की बम्बार्डिंग करते हैं तो यहाँ पर क्या होता है, ये बेरियम में और क्रिप्टान में स्मॉल न्यूक्लियस में ब्रेक होता है। ये 56, 36 और ये 139 एटॉमिक वेट मास और ये 94 इस तरह से। और प्लस यहाँ पर 3 न्यूट्रॉन रिलीज होता है और लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी। ये सबसे इम्पॉर्टेंट बात है कि इस रिएक्शन के बाद बहुत ज़्यादा एनर्जी रिलीज होता है। ये एनर्जी ही रेडिएशन के थ्रू जो फैला हिरोशिमा नागासाकी में, उसके कारण जो भी इतने लोग मरे उसमें, उस एनर्जी के कारण ही है। तो ये इस तरह से इसका रिएक्शन होता है। और ये चैन रिएक्शन होता है। चैन रिएक्शन इसलिए होता है क्योंकि इसमें जो 3 न्यूट्रॉन रिलीज होता है, ये फिर क्या करता है, फिर 3 टाइम्स इसका रिएक्शन करता है। इस तरह से हम इसके चैन रिएक्शन को बता सकते हैं। सपोज ये यूरेनियम है इस तरह से, तो यहाँ से जब एक बार रिएक्शन के बाद 3 न्यूट्रॉन जब इसे डेवलप होते हैं, तो यहाँ पर ये इस तरह से, और ये फिर 3 रिएक्शन करने के बाद ये अगेन 3। ये आप केमिस्ट्री में भी आप इसको डिटेल में पढ़ेंगे। तो इस तरह से क्या होता है, चेन रिएक्शन होता है, कंटिन्यूअस रिएक्शन क्या होता है, इंक्रीज हो जाते हैं, क्योंकि हर रिएक्शन के बाद 3 न्यूट्रॉन उसमें अगेन डेवलप होता है। क्लियर? तो ये न्यूक्लियर फिजन होता है। अब ये जो हम बम की बात कर रहे थे वो क्या है, अनकंट्रोल्ड था, लेकिन आजकल हम क्या करते हैं, इसका कंट्रोल, इसको कंट्रोल कंडीशन में हम यूज़ करके न्यूक्लियर पावर प्लांट लगाते हैं, जहाँ पर न्यूक्लियर रिएक्टर बनाने के बाद, लास्ट में इस लेक्चर के बाद मैं आपको एक यहाँ पर फिगर बता दूंगा न्यूक्लियर रिएक्टर का, और थोड़ा एक्सप्लेन कर दूंगा कि किस तरह से वर्क होता है। तो न्यूक्लियर रिएक्टर के थ्रू क्या होता है, हम वहाँ पर उसको हैवी वाटर से या ग्रेफाइट रॉड से कंट्रोल करके उसके रिएक्शन को कंट्रोल करते हैं, और ये जो अनकंट्रोल्ड होता था उसको कंट्रोल करके जितना हमारा रिक्वायरमेंट होता है उसके हिसाब से क्या करते हैं, हम उसको यूज़ करते हैं। तो ये है न्यूक्लियर फ्यूजन। नाउ नेक्स्ट इज न्यूक्लियर फ्यूज़न। ये एटम बम का कॉन्सेप्ट यही है जो अल्बर्ट आइंस्टीन ने E=mc² दिया था, लास्ट में थोड़ी चर्चा करूँगा मैं। नाउ नेक्स्ट सेकंड इज न्यूक्लियर फ्यूज़न। न्यूक्लियर फ्यूज़न क्या होता है, ये ठीक जस्ट अपोजिट वर्क है उसका। यहाँ पर स्मॉल न्यूक्लियस ज्वाइंट होके हैवी न्यूक्लियस में चेंज होते हैं। जैसे हाइड्रोजन के, ये हाइड्रोजन का 2 न्यूक्लियस ऐड होता है, और ये फिर हीलियम का, और प्लस यहाँ पर भी एक न्यूट्रॉन रिलीज होता है, और यहाँ पर भी लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज होता है। इस तरह से ये रिएक्शन होता है। हाइड्रोजन का जो स्मॉल न्यूक्लियस है ऐड होके हीलियम के हैवी न्यूक्लियस में चेंज होता है। ये सोर्स, द सोर्स ऑफ एनर्जी ऑफ द सन, सन का जो एनर्जी का सोर्स है एक्चुअल में क्या है, न्यूक्लियर फ्यूज़न ही है। क्लियर? सन के सराउंडिंग में हाइड्रोजन और हीलियम गैस मिलता है जिसमें न्यूक्लियर फ्यूज़न का रिएक्शन होते रहता है, और वहाँ से जो एनर्जी रिलीज होता है उसी को हम सनलाइट में, जो अभी मैंने थोड़ी देर बात किया था, फोटॉन पार्टिकल्स के फॉर्म में हम तक पहुँचता है, वो एनर्जी का सोर्स होता है। हाइड्रोजन बम का कॉन्सेप्ट यही है, हाइड्रोजन बम का कॉन्सेप्ट यही है। यदि हम दोनों न्यूक्लियर फ्यूजन और न्यूक्लियर फ्यूज़न की का कंपेरिजन करें तो न्यूक्लियर फ्यूज़न में मोर एनर्जी रिलीज होता है विथ रिस्पेक्ट टू फ्यूजन। ये आप ध्यान रखेंगे, कई बार कॉम्पिटिटिव एग्जाम या बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है कि किस में ज़्यादा एनर्जी रिलीज होता है, तो न्यूक्लियर फ्यूज़न में ज़्यादा एनर्जी रिलीज होता है, और ये कंट्रोल रिएक्शन होता है। न्यूक्लियर फ्यूज़न तो क्या था, न्यूक्लियर फ्यूज़न क्या था, अनकंट्रोल्ड था, या उसको हम कंट्रोल करते हैं, लेकिन एक कंट्रोल रिएक्शन होता है, और इसके रेडिएशन से उस तरह का नुकसान नहीं होता क्योंकि कंट्रोल है, इसलिए ये बहुत ज़्यादा डेंजरस नहीं है, लेकिन इसमें एनर्जी बहुत ज़्यादा रिलीज होता है। हाइड्रोजन बम जो होता है वो इसी के थ्रू बनाया जाता है। अल्बर्ट आइंस्टीन ने जो एनर्जी मास इक्वेशन दिया E=mc², ये आइंस्टीन का एनर्जी मास इक्वेशन कहलाता है, बहुत फेमस इक्वेशन है ये। मतलब हमारा जो न्यूक्लियर फिजन या न्यूक्लियर फ्यूज़न है वो इसके मास पर डिपेंड करता है। यहाँ पर सी क्या है, वेलोसिटी ऑफ द लाइट है, जो 3 × 10⁻⁸ मीटर
पर सेकंड होता है, ये वेलोसिटी ऑफ द लाइट है, और मास है जितने मास का हम क्या कर रहे हैं यहाँ पर एटम यूज़ कर रहे हैं, तो इतनी एनर्जी वहाँ से रिलीज होती है। इसको अल्बर्ट आइंस्टाइन ने दिया था, इसको एनर्जी मास इक्वेशन कहा जाता है। तो ये जनरल इंट्रोडक्शन आपका न्यूक्लियर एनर्जी के बारे में है। बाद में आप 10th क्लास के बाद इसको केमिस्ट्री में आप बहुत डिटेल में पढ़ेंगे, या आप हायर क्लास में न्यूक्लियर फिजिक्स एक अलग से आजकल ब्रांच होता है, क्योंकि आजकल फिजिक्स में न्यूक्लियर फिजिक्स पर बहुत ज़्यादा वर्क हो रहा है। हमारे कंट्री में भी अबाउट 5-6 न्यूक्लियर पावर प्लांट हैं वहाँ पर, जैसे बार्क है, भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर, और तारापुर में है, और राजस्थान कोटा के पास रावत भाटा करके है। तो यहाँ पर 4-5-6 नियर अबाउट 6 पावर प्लांट हमारे यहाँ इस पर वर्क करते हैं, न्यूक्लियर फ्यूजन पर। क्लियर? तो ये है न्यूक्लियर फ्यूजन। यदि आपको न्यूक्लियर पावर प्लांट देखना है तो देखिए, मैं यहाँ पर एक फिगर आपको डिस्प्ले कर रहा हूँ। ये न्यूक्लियर पावर प्लांट है, एक बार उसको मैं एक्सप्लेन कर दूँ। यहाँ पर क्या होता है, एक चैम्बर होता है, इस चैम्बर को हम क्या कहते हैं, जो डोम के शेप का बनाया जाता है, कई जगह आपने फिगर में देखा होगा, वो न्यूक्लियर रिएक्टर होता है। न्यूक्लियर रिएक्टर में यूरेनियम 235 को ग्रेफाइट या हैवी वाटर के हेल्प से यहाँ हम कंट्रोल चैन रिएक्शन कराते हैं, और वहाँ से जो हीट प्रोड्यूस होता है उस हीट को क्या करते हैं, वाटर से फ्लो कराते हैं। तो वाटर से फ्लो कराने के बाद क्या होता है, वाटर स्टीम फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है उस हीट के कारण, और उस स्टीम को फिर क्या करते हैं, प्रोसेस करके टरबाइन पर प्रेशर करते हैं, जिस तरह से अपन थर्मल पावर में करते हैं। बस दोनों में डिफरेंस ये है, वहाँ पर स्टीम बनाते हैं हम कोल कोक के हेल्प से, और यहाँ पर हम स्टीम बना रहे हैं किसके हेल्प से, न्यूक्लियर रिएक्शन के बाद जो हीट प्रोड्यूस हो रहा है उसके हेल्प से स्टीम बना रहे हैं। फिर स्टीम जाकर टरबाइन को रोटेट करता है और इलेक्ट्रिसिटी डेवलप होता है। ये आज दुनिया में सबसे चीपेस्ट, सबसे सस्ती बिजली इसी से हमको मिलता है। न्यूक्लियर फ्यूजन की बात करूँ ना मैं, उससे मिलता है। लेकिन इसका सबसे बड़ा डिसएडवांटेज यह है कि बहुत डेंजरस होता है। कभी यदि न्यूक्लियर रिएक्टर में कहीं लीकेज हो जाए, कुछ प्रॉब्लम हो जाए, तो वहाँ पर क्या होता है, रेडिएशन के थ्रू एनर्जी बाहर निकलता है, और रेडिएशन के थ्रू क्या है, हमारे ह्यूमन बॉडी के लिए क्या होता है, बहुत हार्मफुल होता है। तो ये जो हमारा आज का चैप्टर था वो कम्प्लीटली थ्योरिटिकल है, और एक जनरल नॉलेज की तरह है। इसमें से जितने भी क्वेश्चन आपको बोर्ड एग्जाम में पूछे जाएंगे वो इसी तरह से किसी न किसी पावर प्रोडक्शन के बारे में पूछे जाएंगे। ओके, थैंक यू।